हाँ अरे बच्चों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर का थर्ड पार्ट या थर्ड वीडियो कुछ भी कह दो। विचार करें, मेरा एक कोचिंग सेंटर है और उसमें बहुत ही ज़्यादा ठूस ठूस के 30 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। 31वां बच्चा, 31st स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है। दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर सकता, पूरा खर्च बढ़ चुका है। ठीक है, और अगर मैं लालची हूँ, हूँ नहीं लालची, अगर लालची होता, पर क्यों होता, मेरे कोई और किसी और टीचर की बात चल रही है, ठीक है, वो लालची है, पर लालची तो कोई टीचर होता नहीं है। मान लो उसे टीचर सारे अच्छे ही होते हैं, पर मान लीजिए उसको ज़्यादा स्टूडेंट्स की आवश्यकता है, कुछ प्रॉब्लम है और वो चाहता है और बच्चे हैं, जबकि उस रूम में 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो उसने दिमाग लगाया और उसने क्या कहा करा, उसे अपने सेंटर में समोसों से भरी हुई प्लेट, जिसका बर्थडे होता है समोसे खाते हैं ना आप, ऐसे समोसे बल्कि बनते हुए भाप उठ रही है और सॉस भी रखी हुई पास में, ऐसा इंतजाम यहाँ कर दिया। जलेबी, रसमलाई, रसगुल्ले व्हाइट वाले, और क्या नॉन वेजिटेरियंस के लिए लेग पीस, हरा धनिया कटा हुआ, मक्खन गिरा हुआ, और क्या होता है, चाउमीन, और जी मोमो, जो कुछ भी होते हैं मेरे से वार्ड का वार्ड है, पर तुम्हारे लिए ठीक ये। मैंने कहा ये सब आपके लिए है, पर बीच में खड़ा हुआ हूँ, या वो मैं किसी और टीचर को वो नहीं करता, मैं अपने आप को लेता हूँ। चलो थोड़ी देर, मान लो मैं ही लालची हूँ, नहीं ध्यान रखना, मैं यहाँ खड़ा होगा। आयो बच्चो, ये सब तू ही मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद। तो क्या हुआ, आप सब यूँ करके चढ़ने लगे दूसरे के ऊपर, सर जल्दी लेक्चर खत्म करो, हमें समोसा चाहिए, हमें जलेबी चाहिए, एटसेट्रा, और सब आगे बढ़ रहे, खिंच के आगे हो, और पीछे स्पेस खाली होगी कुछ। तो 31वां बच्चा नहीं जा सकता था और 4-5 बच्चे अंदर आ गए। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करी, 4-5 बच्चों से कितनी पेमेंट आएगी और ये कितने वाला, तो फायदा मेरा मेरा लालच और बढ़ गया, और मैं अभी क्या कंडीशन थी कि कम से कम मैं खड़ा था यहाँ पे, ये सब बच्चे आगे बढ़ रहे थे, इस पीछे से खाली, पीछे से खाली होगी, पर चूंकि मैं खड़ा हुआ था अभी यहाँ पे, ठीक है, रोकने वाला, अभी रुक जाओ, अभी ये लोग कुछ ही बच्चे आ पाए, और थोड़ी देर के लिए मैं चला जाऊँ। ए टूट पड़े बच्चे, आ समोसा जलेबी, और जब सब के सब ऊपर चढ़ जाएंगे तो पीछे अच्छी खासी स्पेस खाली हो जाएगी, और उसमें 8-10 बच्चे और आ जाएंगे। सुनने वाली बात, इस रूम में कैपेसिटी केवल 30 की थी, मैंने कुछ प्रबंध करके, दो प्रबंध करके इसमें बच्चों की संख्या बढ़ा दी। मैं दो प्रबंध थे, अट्रैक्शन किस चीज का, एट्रैक्शन नंबर 1, और दूसरा उस एट्रैक्शन में जो बाधा थी उसे हटा देनी,
ठीक है, इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यही काम हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि छात्रों की संख्या की जगह इलेक्ट्रिक चार्ज कैन स्टोर मोर एंड मोर। देखिए कैसे, ये एक प्लेट, मेटलिक प्लेट, जिसको हमने चार्ज दे दिया जितना दे सकते हैं। मान लो Q1 चार्ज दे दिया और इससे ज़्यादा चार्ज नहीं दिया जा सकता, जैसे 30 स्टूडेंट से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते थे, ऐसे Q से ज़्यादा चार्ज इस प्लेट को नहीं दिया जा सकता। सुनाइए बात, हम ये दो प्रबंध करने हैं। नंबर वन, समोसे चिप्स रख के, चिप्स समोसे चिप्स जलेबी रख के अट्रैक्शन, और फिर उन्हें रोकने वाली बाधा को दूर कर देना, तो ज़्यादा संख्याओं में बच्चा जाएंगे। तो मुझे एक काम करना है कि ये एक तरफ आकर्षित हो और दूसरी तरफ इसको रोकने वाला हट जाएगा। तो मैंने क्या करा, केवल एक एक प्लेट ये थी, मैक्सिमम चार्ज दिया सकता था उसको, और एक प्लेट ये, इस दूसरी प्लेट को जो कि अनचार्ज है, मैंने बिल्कुल इसके इसके बिल्कुल पास लिया, टच नहीं किया, टच कर दें सारा चार्ज पड़ जाए या रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, टच नहीं किया, बिल्कुल पास में लिया। बिल्कुल पास में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करके इसमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और अट्रैक्शन सारा इधर। अब चूंकि ये अनचार्ज प्लेट है, इसे दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या हुआ, केवल इसके पास आ जाने से ही भाई ये पोर्शन इसको रिपेल भी करेगा और ये पोर्शन इसको अट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है, किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अट्रैक्शन का ज्यादा पास में, ठीक, रिपल्सन का भी पड़ रहा है। अगर ये ना हो, ये बाधा दूर भगाने के लिए इस जगह में अट्रैक्ट करना है, अगर ये ना हो तो अच्छा से अट्रैक्शन हो जाए, बाधा है उसे हटा देंगे। तो पहला काम हो गया अट्रैक्शन, इसका काम ज्यादा है, इसको देखकर तो अट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ फर्दर चार्ज इसको देना संभव और हो जाएगा ड्यू टू ए लार्ज अट्रैक्शन, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इधर ज्यादा हो जाएगी और पीछे सीट खाली हो जाएगी, मोर चार्ज इज पॉसिबल टू गिवन, ठीक है, पहला काम कर दिया अट्रैक्शन, दूसरा बाधा को हटा दो, इसे आउटर पार्ट को अर्थ कर दो, फिर सारा चार्ज गिवन टू अर्थ। ये तो किसी दिमाग में नहीं आ रहा क्यों चला जाता अर्थ में, बताया था बढ़िया तरह से, छोटे बर्तन को बड़े बर्तन जुड़ा था, उसका पानी उसे फर्श गिला भी नहीं कर पाया था, याद है, होल चार्ज ट्रांसफर टू अर्थ। और अब तो केवल अट्रैक्शन का काम रहेगा, अब तो बहुत भयंकर अट्रैक्शन हो और इसको और फर्दर चार्ज देना पॉसिबल हो जाए। जो प्लेट केवल इतना ही चार्ज स्टोर कर सकती थी, ऐसा जुगाड़ कर देने से वो मोर एंड मोर चार्ज स्टोर कर सकती है, ठीक है जी। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्ज की अधिकाधिक मात्रा, ए सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैन स्टोर, ऐसे जुगाड़ को, जुगाड़ नहीं लिखना है, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। आगे हैंडल भी किसी वीडियो में इलेक्ट्रिक कैपेसिटर नहीं तो बता दो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर।
और से आगे लिखेंगे, समझ आ गया ना? ऐसा जुगाड़ जिसमें जा जा चार सौ क्या ऐसे, इसलिए लिखें, लिखते ना कैसे नोट्स बन रहे हैं, ठीक है? भरपूर कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन में आपका ऑफलाइन जैसा ही अनुभव हो, तो बार बार रिप्ले उप्ले कर देखते रहा करो कहाँ लिखने के लिए कह रहे हैं सर। कहूँगा मैं एक एक पॉइंट लिखने के लिए, लिखिए इलेक्ट्रिक पहले हेडिंग है और लिखिए इससे आगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट इन विच ए सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैन स्टोर। कोई डायग्राम नहीं बनेगा अभी। इसके बाद अगली लाइन से लिखिए सेम हेडिंग फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। आप इस तरह भी कह सकते हो कि स्क्वायर है या सर्कुलर भी होती, दो प्लेट आसपास रहनी चाहिए, ठीक है? और जिन पे जितना चार्ज है उतना चार्ज भी आएगा वो माइनस, बाहर वाला तो है ही नहीं। अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, कुल मिला के चार्ज, ठीक? किसी भी आकार की दो प्लेटें पास पास रखी हों जिन पे इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस, बस इक्वल एंड ओपोजिट जब भी होगा जो अर्थ कर देंगे तो पोजिशन नहीं बचेगा उस पर। तो सेकेंड पैराग्राफ से कैपेसिटर इज ए पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप प्लेस क्लोज टू इच अदर एंड हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है? कभी कभार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ये है कि अगर एक कंडक्टर लिखना कुछ नहीं है, ये बाई चांस आ सकता है, कोई एक कंडक्टर अगर दूसरे अनचार्ज और अर्थ कंडक्टर के पास में रख दें तो इस सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैन स्टोर। इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर ए अर्थ कंडक्टर देन ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैन स्टोर इन दिस सिस्टम। ये हर इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का प्रिंसिपल लिखने के लिए, अभी लिखेंगे नहीं, बस एक बार सुन लें तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर फॉर्म देंगे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वही है, पर अब आप ध्यान देंगे बहुत बढ़िया तरह से। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की है या कैपेसिटर की है? कंडक्टर की है तो मैंने बताया था क्या सावधानी बरतनी थी, ये उसको दिया गया चार्ज है और ये रेज इन पोटेंशियल, बच्चे पोटेंशियल लेके भारी भर कम गलती करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर लिखा नहीं है, कहीं कंडक्टर ही बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू इट एंड द राइज इन पोटेंशियल। परंतु जब ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आएगी कैपेसिटर की, कैपेसिटर तो चार्ज तो इसको दिया गया था वहां तो अपना भाई, और प्लस से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जो माइनस खत्म जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा इसी बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलते पोटेंशियल गिरता चल जाता है, याद है सारी बात है, गंगा जल यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इस वक्त क्यों क्या है, उस वक्त होता चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, इस वक्त है चार्ज गिवन टू वन प्लेट, दूसरे अपना सारा बाय इंडक्शन, और वी वहां तो था रेज इन पोटेंशियल और यहां पे है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। वर्डिंग ध्यान रखना बस,
अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू इट्स वन प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है इंडली, उसमें पहले फॉर्मूला लिखना है, नो डायग्राम रिक्वायर्ड ना, और इसके बेस पे बस ध्यान होना चाहिए। क्या लिख देंगे, अब सुन लेना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू इट्स वन प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। रिप्लाई कर दोबारा सुन लेना, हाथ तो हाथ लिखते रहो और आगे बढ़ते रहो। यह है जी इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद एक आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसी वीडियो में आप करेंगे, इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर बता देता हूं, इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कठिन नहीं है। जिस तरह आपको अब तक सारी बातें आसानी नजर आ रही होंगी ना, कोई कठिन आ रहेगा, कोई आर्टिकल ऐसा है जो आपके सिर को प्रश्न कर लिया, समझ में आ रहा है सब, उससे भी आसानी है, बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, मतलब कठिन मत सोच लिया करो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कंसिडरिंग जो बना रहे हो तो फर्स्ट पैराग्राफ, कंसिडरिंग टू मेटलिक प्लेट्स एक्स एंड वाई charge plus q is given to plate x and y is earth, तो इसे माइनस करना पड़ता है, बस अर्थ लिख देना, बस बाकी कुछ नहीं, प्लस q इस पर आ गया, माइनस q इस पर आ गया, तो क्या लिख देना, डायग्राम सबसे पहले बना सकते हो, डायग्राम बनेगी सबसे पहले बना दो, कोई दिक्कत नहीं, या साइड में बना दो, फिर लिखना जबरदस्त देखते हुए। कंसीडरिंग टू प्लेट्स मेटलिक प्लेट्स, कंसीडरिंग टू मेटलिक प्लेट्स एक्स एंड वाई, चार्ज क्यू इज गिवन टू प्लेट एक्स एंड वाई इज अर्थ, बस इतना पर्याप्त है, हो गया। अभी क्या निकालना है, इसी कैपेसिटेंस निकालना, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, और कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज तो आ गया, किसे प्लेट दिया गया चार्ज होता है, बस हमें क्या निकालना है, दोनों प्लेट के बीच में पी डी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, बस इस चुमेंट डिवाइड देते हो जाए हमारा काम। ठीक है, फिर मैं एक बात याद दिला देता हूँ, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वॉल्यूम जैसा है, गंगा जल किस डब्बे में भरा जा रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर, तो ये सी कैपेसिटी है। अब चाहे उसमें पानी भरा हुआ हो, चाहे ना भरा हुआ हो, चाहे थोड़ा भरा हुआ हो, कैपेसिटी 5 लीटर की है, यानी पानी कितना है, इस पर डिपेंड नहीं है, यानी कि चार्ज कितना दिया जा रहा है, इस पर डिपेंड नहीं है। कैपेसिटेंस तो वैसे प्रोपोर्शनल टू की जगह आया था सी, ये चार्ज फ्री है। ठीक है, तो स्टार्ट डायग्राम बन गया, इसके बारे में लिख दिया, अब कार्यवाही शुरू हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये फील्ड निकालना पड़ेगा, गॉस थ्योरम पढ़ चुके हो, एक प्लेन शीट की वजह से फील्ड कितना होता है ये भी जान चुके हो। ठीक है, एंड्स काफी दूर है बीच में, तो एक प्लेन शीट की वजह से
फील्ड अगर याद आ गया होगा तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और दो शीट की वजह से फील्ड ट्वाइस हो जाता था, टू बढ़ जाता था, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज डेंसिटी, यूनिट एरिया में कितना चार्ज होता है वो निकाल दो पहले, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगले पैराग्राफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट, और ये मतलब ये प्लस के माइनस है ना, तो खाली वेरी मेन टू निकाल रहा है डेंसिटी सिग्मा क्यू बाई ए, दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है क्यू बाई। अब आप फील्ड निकाल सकते हो इसमें, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ई इज सिग्मा अपॉन ओनली एप्सिलॉन नॉट, टू नहीं ट्वाइस हो चुका दो प्लेट्स, और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, और अपॉन पहले से एप्सिलॉन नॉट ये फील्ड आई। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस क्या अंतर था, यूनिट क्वांटिटी, तो क्या कर दोगे डिस्टेंस डी और ए प्लेट का एरिया ये लिखा गया, तो शुरू में जगह शुरू में लिख देना चाहिए, तो अब लिख देना यहाँ सरफेस डेंसिटी तो हो गई क्यू बाई ए, और यहाँ यहाँ वेयर ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है, और डिस्टेंस वाले का नहीं भी पहले लिख दो अपना काम करो। देयरफॉर पी डी प्रोड्यूस बिटवीन प्लेट वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये वी क्वांटिटी फॉर्मूले से वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, समझ लो। बस कायदे में ध्यान रहे तो सुन ले सकते हो, कंसीडरिंग टू मेटलिक प्लेट्स एक्स एंड वाई हैविंग एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी, चार्ज क्यू टू गिवन टू वन प्लेट एंड वाई इज अर्थ, तब जरूरत नहीं, और लिखना भूलिए तो बाद में खचर पचर मत करना वहाँ पर, बाद में जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ लिखो उसको, अभी भूलिए वहाँ पर, ये बात मैं बता रहा सुनू से इन बातों को कर दीजिए। वी क्यू निकालने पड़े प्रोड्यूस सी निकालने सी क्यू कौन वी क्यू दे रहा है प्लेट को, वी निकालने दे रहा है वो निकल रहा है बस, ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए पर इंटू डी। सो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी सी इज क्यू बाई वी, क्यू बाई और वी कितना निकाल दिया क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू तो कैंसिल होना ही था बता दें चार्ज को डिपेंड नहीं, तो सी नॉट कह रहा था सी नॉट क्यों जो सी बी सी एयर फ्री एयर कैप्सूल इज इक्वल टू यू पर कौन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अब उसी बीच में एयर भरी हुई हो और एयर भी कुछ और हुआ तो इनटू क्या और हो जाता उसकी इनटू एप्सिलॉन नॉट के साथ हो जाती है, यह बस खाली तो इसको भी लिख दें इसके बाद वन भी आता साथ साथ। इफ ए स्लैब नेक्स्ट पैराग्राफ से इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, सुन रहे हो, देन इट्स कैपेसिटेंस यही लिखना है रिप्लाई कर लेना दोबारा पांच सेकंड के बाद सी क्या लिखना है मैं फिर बोल रहा हूं इक्कीस ड्राइव करने के बाद
इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स सी इज इक्वल टू इनटू क्या करते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहां तक करना है अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए आता है ओके इसके बाद एक चीज ऐसी बतानी है अगर वो पूछता है तो फालतू नहीं बताना है जब डिवाइड करके देखना डिवाइडिंग टू बाई वन तो सी अपॉन सी नो और इसमें ये सब करने के बाद क्या बचा है आज आप के को डिफाइन कर सकते हैं के ये क्या है कोई कैपेसिटर जिसके बीच में एयर भरी हुई है ठीक है उसकी कैपेसिटर और सी क्या है वही कैपेसिटर पर इसके बीच में स्लैब भरा तब रेशियो ये जो रेशियो आएगा इन दोनों कैपेसिटेंस का वो जो भरा था बाद में उसके डायरेक्ट कांस्टेंट के इक्वल अब सुन लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के डिफाइन करना है सो टेक ए कैपेसिटर कोई सा लेटर दो उसके अंदर इसको पूरा भर दो पूरा भर दिया उसकी जो कैपेसिटेंस होगी और फिर उसको पूरा खाली कर दो कैपेसिटर वही होना चाहिए या क्या तो सेम साइज ए और डी वही है तो वही कैपेसिटर बस अब जो सी कैपेसिटेंस आएगी इसका रेशियो होगा उस स्लैब का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अब सुनिए अल्टीमेट फाइनल किसी स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम से भरे हुए किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और उसी आकार के एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है इसे लिखने के बाद इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए सुन लीजिए द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए स्लैब या मीडियम कुछ लिख देना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड बाय दैट स्लैब या मीडियम टू द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर ऑफ सेम साइज समझ आ गया तो यह था इस वीडियो का पार्ट अच्छी तरह देखें रिप्ले करें बार बार पूरे कंप्लीट नोट्स बना लें और फिर शुरू से दोबारा देख के चेक करते रहें हाँ ये नोट बन गया हाँ ये नोट बन गया वहीं स्टॉप करें जो नोट छूट गया फिर उसे एडजस्ट करें मैं तो कहता हूँ रफ कॉपी में पहले इसको कर लें कि एडिट पे इसके बनेगा और फिर जब चेक हो जाएगा क्योंकि बाद जब दोबारा वीडियो देखोगे तो बीच में कुछ इंसर्ट करना पड़ सकता है इसे रफ में करें पहले और जो दोबारा फाइनल देख लो कि हाँ ये भी हो गया हाँ सब नोट्स हो गया तो उसको फेयर करें ओके तो इस वीडियो तक इतना ही खुश रहो